नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको 436 ट्रैक्टर दिखा रहा हूं। भाइयों, ये 1977 मॉडल ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर में किसान भाई ने सभी काम करवाए, इंजन, गियरबॉक्स, लिफ्ट, सभी काम A to Z काम करवाया है। देख सकते हैं आप लोग, ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है देखने में और बिल्कुल नया बना दिया है। ये ट्रैक्टर उत्तराखंड सितारगंज में तैयार हुआ है। इसकी जो पेंट क्वालिटी है बहुत अच्छी है, इस पर मेटालिक पेंट किया हुआ है। देख सकते हैं, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, दानेदार पेंट किया है और पेंट की कॉस्ट भी बहुत कम है। सभी ग्राफिक्स ओरिजिनल लगाए हैं, कोई कमी नहीं की है किसान भाई ने इस ट्रैक्टर में पैसा लगाने में। इसका अगला हिस्सा ये चेंज है, ये अगला हिस्सा इसका पावर ट्रक का है और इसके जो आगे टायर हैं 7/16 के मिलेंगे BKT के। इसका जो बम्पर है बबलू कलसी का बम्पर लगाया है और हैलोजन लाइटें हैं, ठीक है जी। सभी इस ट्रैक्टर की जो एसेसरीज है सभी चेंज की है किसान भाई ने। और दूसरा इनके पास हॉलैंड है, इसके साथ एक बार इसकी डेमो वीडियो लेके आऊँगा मैं और किसान का रिव्यू भी आप देखेंगे मेरे चैनल पे, आपको किसान का रिव्यू मिल जाएगा। साइलेंसर भी चेंज किया है और इसका जो टूल बॉक्स है ये भी भाई ने मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है जी। भाई ट्रैक्टर देख सकते हैं आप लोग, मैं इसकी आपको साउंड भी सुनवाऊँगा और अब इसकी थोड़ी सी आगे से ऊँचाई बढ़ गई है, ठीक है जी। आगे टायर 7/16 के हैं तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर देखने में लग रहा है। और इसकी जो सीट है ये भी चेंज की, थोड़ी सीट में इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ी सीट ऊंची की है। ये इसके जो डिफर हैं मिंडा के डिफर लगाए हैं इन्होंने और जो इसके मडगार्ड हैं क्लासिक वाले लगाए हैं, जो फार्म ट्रक 60 में आ रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है जी। फ्यूल टैंक में इसने लॉक लगवाया है और स्टेयरिंग भी चेंज किया है और गियर का टापा दे सकते हैं आप लोग, ये भी चेंज है 8+2। और इसके जो मीटर हैं ये मिंडा के हैं, सभी जो इसमें एसेसरीज है ओरिजिनल डाली गई है। और मैं आपको खर्चा भी बताऊंगा कितना खर्चा आया था। ये गियर सिलेक्शन का दिया हुआ है, बाकी ये पार्किंग के बटन दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। इसका जो लिफ्ट का टापा ये चेंज किया है भाई ने, थोड़ी दिक्कत हो रही थी लिफ्ट में तो ये भी चेंज कर दिया। और बाकी इसके लाइटिंग स्विच वगैरह देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ नया है। खर्चा इसका बहुत कम हुआ है, खर्चा मैं आपको बताऊँगा, खर्चा सुन के आपको भी हैरानी होगी, ठीक है जी। और ये इसका स्पीड चार्ट है, ये शायद फार्म ट्रक का ही लगाया है इन्होंने। और बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये इसका PTO का हो गया, सिंगल क्लच में, क्लच में चेंज नहीं किया है, सिंगल क्लच है। बैक टायर 14/28 के हैं VKT के। और मडगार्ड देखे आपने, क्लासिक वाले हैं मिंडा के, इसमें इन्होंने डिफर लगाए हैं। पिछला हिस्सा इसका चेंज है, पिछले हिस्से में आप देख सकते हैं ये आपको जो ब्रेक है डेस्क ब्रेक मिलेंगे, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर है, हिच भी इसका चेंज है, लिफ्ट पट्टी भी चेंज करवाई है, ठीक है जी। देख सकते हैं आप लोग ट्रैक्टर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और लाइट इसकी हाइलक्स की है, आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ इसकी एसेसरीज क्योंकि आप भी देख सकते हैं आपका जो पैसा है बहुत मेहनत का है। और सभी इस पे जो पार्ट्स लगाएं ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट पार्ट्स नहीं है। खर्चा बहुत कम है इसका, खर्चा आपको बताऊंगा लास्ट में, देखते रहें आप लोग। बिल्कुल ट्रैक्टर ओरिजिनल बनाया है भाई ने। तो अब बताता हूँ मैं खर्चा, इस ट्रैक्टर में जो खर्चा हुआ है टोटल खर्चा 2 लाख रुपये खर्चा हुआ है, 2 लाख रुपए में ट्रैक्टर पूरा तैयार हुआ है, बस पावर स्टीयरिंग नहीं करवाया भाई ने। तो किसान भाइयों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। 2 लाख रुपए में आपका ट्रैक्टर तैयार हुआ है, आपको पंजाब जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसान का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पर, आपको लिंक मिल जाएगा। किसान भाई ने सब कुछ बताया इस ट्रैक्टर के बारे में, भाई के पास दूसरा हॉलैंड भी है। और किसान भाई के जो फादर साहब थे उन्होंने इस ट्रैक्टर से लगभग 100 एकड़ की खेती की थी। और ये इसकी हैरो, 9 लोगी हैरो ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है जी। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।